हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कपिल सगा व्लॉग। सो गाइस, आई होप सो कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हैं। और बेंगलोर में एक बहुत ही अच्छा शो करने के बाद बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा करके। बहुत अच्छी फैमिलीज थी, ऑडियंस ऐसी थी कि पूरा सुनने वाले लोग थे, तो हमने पूरा रेट्रो नए सब मिला के हमने परफॉर्म किया। उन लोगों को बहुत ही मज़ा आया। ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं था जिनको मैं अपना फ़ोन दे सकूँ और फिर शूट करने के लिए बोलूँ। एक कोई मिला साउंड वाले का, कोई एक लड़का था, उसको थोड़ी देर के लिए दिया था फ़ोन, तो उसने एक ही गाना थोड़ा बहुत किया था। थोड़ी देर के लिए, उसको अच्छे से करना भी नहीं आ रहा था, तो उसने थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा क्लिप लिया था। और बाकी मैंने वहाँ पे जो वीडियोग्राफर्स थे, तो उनको मैंने बोला है कि आपके पास अगर वीडियोस है मेरे परफॉर्मेंस की तो आप मुझे प्लीज़ सेंड करिए, जो भी रहेगा मैं उनको पे कर दूँगी। बट देखते हैं, उन्होंने हाँ तो बोला है, देखते हैं अब कब तक उनके सारे जो फैमिलीज़ के सारे इवेंट्स है वो सब ख़त्म होगा, वो लोग फ्री होंगे तभी वो मुझे सेंड कर पाएंगे वीडियोस। तो लेट्स सी। और फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ गाइस, थोड़ा बैठ जाती हूँ। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये एक शो करने के बाद मेरे दिमाग में ये था कि मुझे घर का, जो हमारा नया वाला फ्लैट है ना, उसका बहुत सारा काम बाकी है, उसको थोड़ा बहुत अच्छा करना है घर को, ताकि हम थोड़ा म्यूज़िकल वाइब रहे। तो इसकी वजह से आशीष भी लगे हुए हैं, तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे और देखते हैं। आशीष ने कुछ कुछ किया है तो चलते हैं, दिखाती हूँ मैं वहाँ पे क्या नया किया है वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मुझे तो पता है उसने क्या क्या किया है, लेकिन आप लोग को दिखाना है। तो गाइस अभी चलना है। और हाँ, एक और बात, आप लोग को मैंने बोला था कि मुझे शूज़ नहीं मिल रहे थे। एग्जैक्टली मुझे मॉल में शूज़ नहीं मिल रहे थे मेरे पसंद का, बट अब फाइनली मुझे बहुत ही अच्छे शूज़ मिल गए हैं, जिसको पहन के मैं शो में भी गई थी, बट आप लोगों के साथ मैं वो शेयर नहीं कर पाई थी। तो अभी याद आया तो दिखा देती हूँ, मैंने ये शूज़ लिए हैं, ये देख। तो ये है, तो ये मेरे नए शूज़ हैं, मैंने ऑलरेडी पहन लिए हैं। ये मेरे नए शूज़ हैं, ये शूज़ मैंने लिए हैं, देखिए पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगा। तो ये मेरे शूज़ के साथ ये लुक है मेरा, बहुत ही कंफर्टेबल है, पहन के बहुत ही अच्छा लगता है और लुक भी बहुत अच्छा। तो बस यही है, अभी निकलते हैं गाइस। गाइस चलिए चलते हैं उस वाले घर में और देखते हैं क्या क्या काम हो गया है और क्या क्या हमें करना है। तो ये हमने उठा लिया है बैग, अच्छा चार्जर भी तो लेना है, सब बंद है, चार्जर भी ले लिया है, क्लच बहुत इम्पॉर्टेंट है बाहर निकलो तो। और ये हमने हमारी सनग्लासेस पहन लिया है, वाह स्मार्ट तो मैं लगती हूँ। तो चलिए गाइस निकलते हैं। अच्छा अंदर का खिड़की देख लेती हूँ, खिड़की भी बंद करनी है। अरे यार हाँ, ये हो गया है। और चलिए गाइस अब ये वाली खिड़की, नहीं तो ना शाम को मच्छर आ जाए। एक लाइट, हाँ निकलते हैं चलिए। तो चलिए निकलते हैं। गाइस तो मुझे रिक्शा नहीं मिल रही थी, बट इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तभी ये दुनिया बची हुई है। तो मुझे एक लड़की मिली जिसने मुझे गिफ्ट दिया, तो बस मैं उतर गई, मैंने अपना फेयर जो था वो मैंने पे कर दिया और अभी मैं पहुंचने वाली हूँ घर। देखते हैं आशीष क्या कर रहे हैं।
पूरा मेस्ड है क्योंकि सामान अभी तक हम जमा नहीं पाए हैं सारा सामान, लेकिन हमारे साथ है ये हमारी लक्ष्मी दीदी। और लक्ष्मी दीदी यहाँ पे मेरी हेल्प करेगी, थोड़ा हेल्प चाहिए ना मुझे झाड़ू पोछा और इन सब करने के लिए, तो मैंने दीदी को बुला लिया है। और दीदी का नाम है लक्ष्मी। और लक्ष्मी को हाउ कोइंसिडेंस इज दिस, हम लोग तिनसुकिया में घर पे रहते थे ना हमारे क्वार्टर में, तो जो वहाँ भी हमारी हेल्प दीदी उनका नाम भी लक्ष्मी था और मुझे वापस से एक और लक्ष्मी दीदी मिल गई। तो फिर तो बहुत अच्छी है, बहुत हसमुख है दीदी। आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे? अच्छा दीदी बंगाली, अरे भूल ही गई बोलने के लिए, तो दीदी हमारे बंगाली दीदी। तो दीदी कैमन लगछे এখানে? খুব ভালো লাগছে। কদিন হলো তোমার এখানে? দুদিন হয়েছে। দুই তিন দিন। তিন দিন, আজকে তিন দিন। सो गाइस दीदी तीन ही दिन हुए हैं और देखिए कितना, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, सोने पे सुहागा, मेरी दीदी मुझे बंगाली दीदी मिल गई। कोलकाता से है तो बढ़िया है, मुंबई में कोलकाता की दीदी वो भी लक्ष्मी दीदी मिल गई, तो आई एम वेरी हैप्पी। और मैं घर आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ पीछे बैक जाके, ये है हमारे बलम स्वामी। मैं थोड़ा आज रेट्रो लुक में हूँ, तो अच्छा लग रहा है। अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। और यहाँ पे क्या हो रहा है? चाय बना रहा हूँ आपके लिए। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। पति हो तो ऐसा, टेल मी समथिंग न्यू व्हिच आई डोंट नो। नहीं, मैं और भी लड़कों को बोल रही हूँ, कभी कभी चाय बना के अपनी बीवियों को पिलाया करो। जो लोग नहीं करते, जो लोग नहीं पिलाते, जो लोग नहीं पिलाते, जो लोग नहीं पिलाते वो नहीं पिलाएंगे, जो पिलाते वो पिलाते हैं। नहीं, पत्नियों को कभी कभी खुश कर देना चाहिए। चाहिए आज आप रेस्ट करो, मैं बना के खिलाता हूँ, तो उसमें एक अलग ही मजा है। क्या है मेरे साथ चक्कर में, मेरी जिस चीज में मास्टरी है ना, जिस चीज की मेरी स्पेशलिटी है वो चीज मैं करता हूँ। चाय बनाना मेरी अच्छी लगती है ममिता को, तो मैं चाय बनाता हूँ। कुछ कुछ चीजें जो मैं खाने की बनाता हूँ, बाकी जो ममिता बनाती है वो तो बनाती ही है, बट मेरी जो स्पेशलिटी है खाने में, कुकिंग में, वो मैं ही बनाता हूँ हम दोनों के लिए। लेकिन एक और चीज, लड़कों को थोड़ा बहुत खाना बनाना आना चाहिए। आता है सबको आजकल तो? नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, बट अपना कुछ लोग है तो ऐसे होते हैं, एक ग्लास पानी भी हाथ में लेके नहीं पीते, तो वो लोग वो ऑर्डर करेंगे पानी दे दो, वो ये तो दे दो होते हैं। नहीं, लेकिन लड़कों को तो खाना आता बनाना है सबको, करना नहीं होता वो बात अलग है। आप काम करते हो, सब कुछ करते हो, इज फाइन, आप बिजी रहते हो, काम करते हो बाहर, इज एवरीथिंग इज फाइन, बट घर पे भी थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, तो उससे ना पतियों को बहुत खुशी मिलती है। तो बस यही है। और अभी मैं घर आप लोग को थोड़ी देर में दिखाती हूँ। घर क्या, ये देखो यहाँ किचन में आया तो ये वाटर फिल्टर, अपन ने उस दिन दिखाया था, ये वाटर फिल्टर लग गया। इसी फिल्टर के पानी का चाय बन रहा है। इसी बहुत अच्छा है एक्चुअली। यहाँ पे आरओ की जरूरत नहीं है, लोगन वाला है तो बीएमसी का पानी अच्छा है थैंकफुली, तो एक्वागार्ड से ही काम हो जाता है, पानी बहुत अच्छा है, ऐसा लगेगा आप बिस्लरी पी रहे हो, वो भी असली वाली बिस्लरी। और ये सब सेटअप लगाया है अभी। हाँ, और क्या है कि उस दिन जब मैं आई थी शो के बाद आई थी ना जी, और ये देखो हमारे नए कप, दो नए कप नए घर में। हाँ, गाड़ी का एक मेरे लिए एक इनके लिए, येलो वाला ममिता का, एक ग्रीन वाला मेरा। और ये देखो ये है अपना, इसको क्या बोलते हैं, शकरकंदी, मतलब मिष्टी आलू, बंगाली में मिष्टी आलू। ये अभी गेनिंग पे हूँ ना थोड़ा, तो खा रहा हूँ मैं वो, मेरे प्रोटीन वोटीन रखे हैं। और किचन में से तेरा सामान है। हाँ। नीचे रखने के, ऊपर रखने का बहुत सामान की जगह है। तो गाइस एक और बात बता दूं, जिस दिन मैं शो के बाद नेक्स्ट डे जब मैं आई थी, मैंने इतने दिन तो तीन चार दिन तो मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाए, तो शो करने के बाद जब मैं आई थी पहली बार, तो मैंने पहली चाय बनाई थी शाम को, पहला चाय बना के हमने भगवान जी को ऑफर किया है। और भगवान जी का इस घर में हमने अपना स्वागत और भगवान जी का स्वागत चाय से किया। किचन में जो पहला जो गैस चालू हुआ उसमें हमने चाय बनाई, मीठी चाय है तो चलता है। हाँ, अब मैं एक दिन अच्छे से हलवा बना के, शीरा बना के भगवान जी को चढ़ाऊंगी। तो बस यही है, अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया है, कभी भी खाना बनाऊंगी। हाँ, तो सबसे पहले हम शीरा ही बनाएंगे और फिर भगवान जी को चढ़ाएंगे। तो खाना मतलब मैं तो अपना माइक्रो इसमें ओटीजी में कर रहा हूँ। हाँ, ब्रेड टोस्ट और फिर एग बॉयलर, ये है एग बॉयलर जिसमें आशीष अपने एग्स को बॉयल करते हैं, तो इससे आशीष का काम हो जाता है। तो गैस की अभी यूज सिर्फ चाय के अलावा नहीं हो रही है, अभी हो जाएगी और दो तीन दिन में
पूरा इसी घर का काम चालू हो जाएगा। तो दो तीन दिन में आधा सामान आया है, आधा नहीं आया है। हाँ। तो कुछ कुछ लेना पड़ेगा, जैसे अभी मेरे पास पकड़ नहीं है। हाँ, ये तो सब लेना पड़ेगा, ये सब लेने आज चलेंगे, है ना। खिड़कियों के लिए मुझे कर्टेन्स लेने हैं, तो बस थोड़ा बहुत शॉपिंग और बाकी है, वो सब कर लेंगे, तो फिर घर पूरा सेट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अभी तो आशीष की चाय बन गई है, तो मैं भी चाय पीती हूँ और फिर मिलती हूँ। आशीष की चाय नहीं बन गई है, आशीष आशीष ही है। तो आशीष ने जो चाय बनाई है वो पीते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग को मैं, तो गाइस हम लोग जो वॉलपेपर चूज कर रहे थे वो फाइनली हमने चूज कर लिया था, और उसके बाद आशीष, जब मैं नहीं थी तो उस वक्त आशीष ने ये लगवा लिया था। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हमने चूज किया था। ये स्टूल हटा देती हूँ तो इससे और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, अभी तो जैसे वो ठीक होना है। हाँ, वो कॉर्नर ठीक होना है, ठीक है मैम। बाकी ये सेटअप है, ऐसा ही रहेगा। हाँ। और देखेंगे धीरे धीरे कहाँ पे क्या 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 करना है, पर ये इसके कारण, वॉल के कारण ना थोड़ा ब्राइटनेस आ गई है रूम में, और ये वॉलपेपर जो लगा ना इसमें जो स्टैंड्स बने हुए हैं उसके कारण बहुत अच्छा लग रहा है, और जो हॉल है वो थोड़ा सा ब्राइट हो गया। अभी देख, बिना लाइट के इतना ब्राइट। ऐसे देखो मैं कैसी लग रही हूं आप, तो देखो ज्यादा मत खींचना मारे। बहुत बढ़िया, बंद माइक में गाने में बहुत अच्छा। आप जल्दी से सेटअप लगाओ तो फिर मैं गाना गाऊं ढेर सारी। ठीक है, चलो। मुझे हाइट ऐसे करना है, और हाई माइक भी बहुत ऊपर है, हाइट है। अभी तक पूरा सब कुछ फाइनल नहीं हुआ अभी है। तो ये देखो ना, अभी सब वैसे ही है, सब बिखरा हुआ है, अभी सब कुछ अभी हो रहा, दिरी करना दिरी है, धीरे धीरे हो जाएगा। चलो भूख लगी, चलो। देसी खाना, इधर इधर साफ कर दो, डालो टी वापस से। वापस से क्या, रोज यही खा रहा हूँ। आप रोज यही खाते हो? भारतीय लोग यही खाते हैं, दाल रोटी। भारतीय लोग खाते हैं, दाल रोटी घर में बनते ही बनते। ठीक है, मीठा है कि खट्टा है? अच्छा है। खाले मेरा खाना रख चुका है, ये पाव भाजी है, भाजी में ट्राई करूँगा, पाव में नहीं खाऊँगा। मैंने अपने बता ले लिए, सादे लोग सादा खाना, वो यहाँ नहीं मिलेगा। काफी सामान नहीं मिला है जो बाहर से लेना पड़ेगा, जैसे सनसी नहीं मिली, पकड़, हाँ पकड़ जो होता है चढ़ा दूंगी आंटी को सारी, और इसके अलावा पकड़ नहीं मिला, और क्या नहीं, नैपकिन चाहिए, नैपकिन, और फिर और क्या था, स्टूल है बाथरूम का, छोटा सा स्टूल चाहिए, तो काफी सारी चीजें अभी भी हमारी शॉपिंग बाकी है, वो मैं ले लूंगा आपको। नहीं मैं जाऊंगी, वो स्टूल भी मैं पसंद करूंगी ना बेबी। ठीक है, आप ही ले लेना, आपको साथ ले जाना। नहीं, यस नो, यस हो गया, जाना पड़ेगा, खत्म, पैक अप, जाना पड़ेगा, जाना, खत्म खत्म खत्म। अब कुत्ती में अभी चलेंगे हम लोग होम सेंटर, जो सामान नहीं मिला वो वहाँ पे लेंगे। आई होप सो कि हमें अच्छे से कार्टन मिल जाए, कार्टन मेनली लेना है हमें वहाँ से, अच्छे कार्टन लेना है और हैंगर वैंगर लेना है, बिल्कुल लेना है। चलते हैं और देखते हैं, पर लेट से जाना पड़ेगा।
आएगा। और कुकर स्टील वाले ये कितने लीटर का है? कौन सा वाला? 3 लीटर का। अच्छा, कितने का? 2, 3, 3, 7, 9। कोई डिस्काउंट है? डिस्काउंट है इतना इसका MRP देख लेती। ऐसा लगा यहाँ घूम के अच्छा लगा। सब घूम रहे थे, हमने भी घूम लिया। लोग घूम ज्यादा रहे हैं और खरीद सिर्फ प्लेट और कप्स रहे हैं, क्योंकि वही सस्ता है यहाँ पे, बाकी सब महंगा। हाँ। चलो अपन कहीं और से देखते हैं ना। हाँ, और क्या। चलो तो यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया, अब हम सीधा जाएंगे घर। नहीं, यहाँ से लिया ना हमने एक्सपीरियंस। अभी हम घर जाएंगे। घर चलो। कुछ नहीं लिया। रात को आ गई थी, बहुत थक गई थी, तो मैं फिर उसके बाद मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। और अभी मैंने चाय बनाई है अपने लिए, चाय और ब्रेड लिया है। हालांकि मुझे डॉक्टर ने मना किया था मॉर्निंग में ब्रेड खाने के लिए, बट स्टिल अभी 4-5 दिन ऐसे ही चलने वाला है। उसके बाद मैं प्रॉपर अपना जो रूटीन है, जो डाइट है, वो मैं फॉलो करूँगी। तो फिलहाल मैं चाय पी लेती हूँ। एक नंबर। मिलती हूँ थोड़ी देर में आप। 12 बज रहे और मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ घर पे। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग पे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। कुछ लोगों की वजह से मेरी लाइफ बहुत इफ़ेक्ट हो रही है, जो कि मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी। इन लोगों से मैं दूर रहना चाहती हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ इन लोगों के बारे में बात करना। ये लोग इतना पिन करते हैं ना आपको, ना चाहते हुए भी इन लोगों को जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। एक लेवल तक सब कुछ ठीक है, बट वो चीज़ आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। यही है गाइस, मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग पे। तब तक के लिए गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज़ कपिल सागा व्लॉग।